द कपिल शर्मा शो से बीच में ही गायब हुए ये 6 किरदार। किसी का हुआ झगड़ा तो किसी ने नहीं तोड़ी चुप्पी। द कपिल शर्मा शो के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। 10 सितंबर से कपिल शर्मा अपने नए सीजन के साथ टीवी पर दस्तक दे चुका है। इस बार जैसा कि प्रोमो में कहा गया है कि नया सीजन और नए चेहरे दोनों ही इस बार के सीजन में दिखेंगे। इस शो में लोगों को हंसाकर जितना कपिल शर्मा ने शोहरत कमाई, तो इस शो को और भी ज्यादा शोहरत दिलाने में कुछ किरदारों का नाम भी शामिल है। लेकिन ये किरदार समय के साथ किसी ना किसी वजह से शो को बीच में ही छोड़कर चले गए। कपिल शर्मा शो को किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में इशू होने की वजह से अलविदा कहा, तो किसी ने कपिल शर्मा के साथ कहा सुनी की वजह से शो से किनारा कर लिया। आज जानेंगे किन किन सितारों ने बीच में ही कपिल शर्मा के इस शो का साथ छोड़ दिया। चंदन प्रभाकर कपिल शर्मा शो के नए सीजन के प्रोमो में कपिल के बचपन के दोस्त चंदन प्रभाकर नजर आए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार चंदन ने इस शो से कुछ वक्त के लिए किनारा कर लिया है। हालांकि शो से कुछ दिन दूर रहने की उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई। कृष्णा अभिषेक सपना पार्लर का रोल निभाने वाले कृष्णा अभिषेक ने भी शो से किनारा कर लिया है। कई खबरों में कहा गया कि कृष्णा के शो से किनारा करने के पीछे की वजह फीस है। हालांकि कृष्णा ने कपिल और टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने से पहले मनमुटाव की खबरों को बेबुनियाद बताया था। उपासना सिंह कपिल की बुआ का रोल निभाने वाली उपासना सिंह ने भी शो से किनारा कर लिया है। शो छोड़ने के पीछे की वजह उपासना का किसी शो में एक छोटे से किरदार का हिस्सा बनना था। वो इस शो की क्रिएटिविटी को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। सुनील ग्रोवर गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी का रोल निभाने वाले सुनील ग्रोवर और कपिल की फाइट तो जग जा ही रहे। इसके बाद कई बार ऐसा लगा कि कपिल के मनाने पर सुनील शो में वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुगंधा मिश्रा कपिल शर्मा के शो में डिफरेंट हेयर स्टाइल वाली टीचर का किरदार भी काफी फेमस हुआ था। इस रोल को सुगंधा मिश्रा ने निभाया था। शो को सुगंधा ने बीच में ही छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुनील ग्रोवर के शो छोड़ने के बाद शो के फॉर्मेट में कई बदलाव किए गए थे और दोबारा उनके पास फोन नहीं आया। अली असगर कपिल की दादी का रोल अली असगर ने निभाया था। इस शो से अली असगर ने सुनील ग्रोवर के छोड़ने के बाद से किनारा कर लिया था। इसके पीछे की वजह कपिल और टीम से क्रिएटिविटी को कुछ लेकर कुछ बातें थी। ऐसे ही तमाम एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल अंतिमा के साथ।